हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दो इवेंट्स हैं आपके पास ई एंड एफ, किसी एक सैंपल स्पेस एस के, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन एफ हैज ऑकर्ड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज इक्वल टू 1। सो इसको प्रूव करता हूं मैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अपनी डेफिनेशन क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन एफ हैज ऑकर्ड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और एस इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीट सैंपल स्पेस है और ये उसका एक सबसेट है, तो आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि एस इंटरसेक्शन एफ यू विल गेट एफ, so divided by probability of f, cancel out, you will get 1। same तरीके से probability of f when f has occurred equals to probability of f intersection f divided by probability of f, वो भी वापस से आपको क्या मिल जाएगा, f, और f से ही आपको divide करना है equals to 1। simple। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस एस एंड एफ इज एन इवेंट ऑफ एस सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0, देन। सो ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एफ हैज ऑकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन एफ हैज ऑकर्ड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन एफ हैज ऑकर्ड। So, ये कैसे आएगा वो देखते हैं हम। देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला लिखता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज अकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब इसमें देखिए क्या चेंज आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मैं, क्योंकि इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर यूनियन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी प्रोबेबिलिटी मैं लिख चुका हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सिंपल, ठीक है। नाउ एक फॉर्मूला सीखा होगा आपने 11th क्लास में, क्या कि यहां लिख देता हूं मैं कौन सा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 11th क्लास में किया था हमने, तो उसी का यूज करेंगे हम यहां। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब इसमें देखिए दो बार एफ लिखने की जरूरत नहीं है, यहां देखिए ये एक एफ आ गया, ये दूसरा एफ आ गया। सो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, डिनोमिनेटर भी इनका अलग अलग लिख लेता हूं अब, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ये अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ही, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी था इंटरसेक्शन, भूल गया मैं, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज ऑकर्ड इक्वल्स टू, ये जो फॉर्मूला है देखिए ये किसका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एफ हैज ऑकर्ड प्लस
प्लस ये दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन एफ हैज ऑकर्ड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन एफ हैज ऑकर्ड। सो एफ फोर लिखना है मेरे को, व्हेन एफ हैज ऑकर्ड। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी एक साथ है तो इसको मैं किसी और कलर में शो करता हूं आपको, ये ए इंटरसेक्शन बी व्हेन एफ हैज ऑकर्ड। ठीक है, सो ये अपना फॉर्मूला आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज ऑकर्ड। इसमें एक कंडीशन और आ जाती है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, यानी कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। एक बात ध्यान रखिएगा, सेट थ्योरी का बहुत ज्यादा यूज होगा इसमें एक्चुअली, और ये डिपेंड ही सेट थ्योरी पे है। सेट थ्योरी अगर आपको अच्छे से आती है तो आप इसको समझ पाएंगे और इजीली आंसर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है, उस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी when f has already occurred is equals to probability of a when f has occurred plus probability of b when f has occurred। क्योंकि फिर a intersection b में कोई element तो होगा नहीं, तो zero हो जाएगी probability उसकी, तो ये आ जाएगा आपके पास नया condition जब a intersection b आपका null set है। मैं लिख भी देता हूँ इसमें कि probability of a intersection b when f has occurred is equals to zero, ये probability zero हो गई। क्यों? क्योंकि a intersection b आपका एक null set है। Third probability देखिए, probability of not e when f has already occurred is equals to one minus probability of e when f has occurred। So ये e dash जो है ये क्या है, साइड में लिख देता हूं मैं, e dash is not e, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई एक तरीके से यूं कह सकते हैं हम, क्योंकि ई क्या है, कोई इवेंट है और इस इवेंट से हमें क्या मिलेगा, एक सेट मिलेगा फेवरेबल, सेट ऑफ आउटकम्स विच आर फेवरेबल टू ई। ठीक है, और नॉट ई का मतलब सेट ऑफ आउटपुट्स विच आर नॉट फेवरेबल टू ई। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट मिला ना, यानी कि ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन E आपको क्या मिल जाएगा, सैंपल स्पेस मिल जाएगा पूरा। ठीक है, सो हम ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S व्हेन F हैज अकर्ड इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ S, S को क्या लिख सकता हूं मैं, E कॉम्प्लीमेंट यूनियन E व्हेन F हैज अकर्ड इक्वल टू E। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं, यहां लिख चुका हूं, देखिए मैं E कॉम्प्लीमेंट यूनियन E, यू विल गेट टोटल सैंपल स्पेस एस। ठीक है जी, चलो आगे करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो सेकंड प्रॉपर्टी थी उसका यूज करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट व्हेन एफ हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि अब इसमें एक और लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं दोनों, ई और ई कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट व्हेन एफ हैज अकर्ड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। सो ये आपका फॉर्मूला बन गया।